मौज एप्लीकेशन पर अभी व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, अभी फॉलोवर्स बहुत कम आ रहे हैं, टोटल जो रीच है आपकी वो ही कम हो रही है। लेकिन जरा सोचो, अगर आपकी रीच को बढ़ा दिया जाए, अगर आप उस रीच को इंक्रीज कर पाए तो कैसा रहेगा और आपकी प्रोफाइल उसके बाद क्या शो करेगी। समझते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम रेगुलर अपडेट वहां पर रोजाना देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उठाइए और फॉलो कीजिए। हम यहाँ पर मौज एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इस मौज एप्लीकेशन पर आप जो भी काम कर रहे हो अभी वो सब डिक्रीज होता जा रहा है, आपकी टोटल जो रीच है वही नहीं बढ़ेगी, तो ये ऑब्वियसली सारी चीज़ें नीचे जाएंगी। पर एक रीच को बढ़ाने के लिए कैसे आप काम कर सकते हैं ये बताऊंगा जरूर, पर थोड़ा सा समझते हैं पहले रीच क्या है। रीच क्या होती है? रीच मतलब होता है पहुंचना। पहुंचने का मतलब लोगों तक पहुंचना। जितनी अच्छी रीच मिल रही है उतने अच्छे फॉलोवर्स, उतने अच्छे व्यूज मिलेंगे आपको। जाहिर है कि आपका कंटेंट बनाया हुआ आज अपलोड करते हो और अगर वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, ज़्यादा लोगों तक रीच करता है, तो आपको व्यूज उतने अच्छे मिलते हैं, आपको फॉलोवर्स उतने अच्छे मिल जाते हैं, अगर वो लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं तो। ये तो है रीच। अब इस रीच को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए मौज पर अभी एक नया हैशटैग चला है जो ये है इमोजी मूड। अब आप अपने मूड को ख़राब ना कर कर सिवाय इस मूड को लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इस मूड का एक लेंस है, लेंस को टैप करके आपको एक वीडियो बनानी है, जो कि ऑब्वियसली आप इतने सारी वीडियोज यहाँ पर देख रहे होंगे, इस तरह की आपको वीडियोस बनानी है और हैशटैग देना है इमोजी मूड का और उसको पोस्ट कर देना है। जैसे इनके वीडियो पर अच्छी इंगेजमेंट है, अच्छी रीच है, वैसे आपके पास भी वो रीच मिल सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ हैशटैग की क्राइटेरियाज हैं। वो क्राइटेरियाज क्या हैं आपके स्क्रीन पर देता हूँ, आप इसको पढ़ें। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है इसमें भी, सिर्फ इतना लिखा है कि आप इस ट्रेंड पर पार्टिसिपेट करें, और अगर आप इस ट्रेंड पर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी भी रीच अच्छी कर दी जाएगी, आपको बेटर रीच मिलेगी। तो ये रीच आपको अच्छी मिलेगी तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि व्यूज़ अब अच्छे आ सकते हैं अगर रीच अच्छी मिलती है तो, जैसे कि फॉलोवर्स अच्छे आ सकते हैं रीच अच्छी मिलेगी तो। ये सारी चीज़ें रीच पर भी डिपेंड करती हैं। अब आप कौन सा सोचते हैं टॉपिक अगला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।